नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ वाव आर्ट्स की तरफ से प्रोवाइडेड ये लाइव सेशन के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने घर के कचरे से पैसे कमा सकते हैं। वाव आर्ट्स का मतलब होता है WOW, वेल्थ ऑफ वेस्ट या वंडर ऑफ वेस्ट। यहाँ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट जो कि हमने घर में से निकलने वाले ही वेस्ट से बनाए हैं। सबसे पहले आप ये की चेन देखिए, आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा टुकड़ा था वेस्ट का, टेलर वेस्ट एम्ब्रॉयडरी वाला, जिसको हमने ये ब्यूटीफुल सा की चेन बनाया है। तो आज जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो एक टेक्निक्स हैं जिनको आप सीखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं एक एक टेक्निक के ऊपर। ये एक फ्लावर है, यदि आप चाहें तो ये फ्लावर भी सेल कर सकते हैं और चाहें तो इससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक फ्लावर की टेक्निक है, ये दूसरे तरीके का कपड़ा है और इसका ये अलग तरीके से फ्लावर बनाया गया है। ये एक अलग है चीज़, इसको प्लास्टिक के बॉटल से बनाया गया है और ये पहना जाता है इस तरीके से। तो ये प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। इसके अलावा ये एक छोटा सा पाउच है जो कि हम टेलर वेस्ट में से ही बनाया है। ये है फैब्रिक वेस्ट, अपने घर में जो साड़ियाँ पड़ी रहती हैं उनमें से बनाया गया ये थैली है, कपड़े की थैली, जिससे कि हम आराम से बाज़ार में सेल कर सकते हैं, अभी तो बहुत डिमांड में है। अभी हम दिखाएंगे एक छोटा सा पाउच है, कॉइन पाउच, यहाँ पे आप सिक्के रख सकते हैं, छोटे मोटे पैसे रख सकते हैं। और इसके अंदर लगाया है हमने एक कैन, वो जो टेट्रा पैक होता है जिसमें फ्रूट जूस आता है वो वाला, इसमें हमने लगाया है ये प्लास्टिक की बॉटल का बैंगल। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए शादी का कार्ड है, शादी के कार्ड को हमने टेलर वेस्ट से कवर किया और ब्यूटीफुल एनवलप बन गया, इसको भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ 25 से 30 टेक्निक हैं जो कि यदि आप सीखते हैं तो आप एक टेक्निक के ऊपर एक नया बिजनेस है। ये न्यूज़पेपर है, आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना मेरे यहाँ पे, ये वाला ये भी न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है एक आइटम है। ये जो होल्डर लगाया हुआ है यहाँ पे ये भी न्यूज़पेपर और बॉटल से बनाया हुआ है। और ये जो ऊपर रेड कलर की तस्वीर है ये जो है वो है एक ज्वेलरी बॉक्स जिसके ऊपर मैंने अपने गुरुदेव की फोटो लगाई है, दादा गुरु की। इसके अलावा ये देखिए जो है मोती है, ये शादी के कार्ड से बनाया हुआ है या टाइट वाले कैलेंडर से बनाया हुआ है, ये एक माला बन गई है इस तरीके से और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद। तो हर एक आइटम अपने आप में मार्केट में सेलेबल है। ये है ब्यूटीफुल बीट्स बने हुए हैं न्यूज़पेपर को गला के, इस तरीके से ये भी माला है। और ये वाली माला मैंने 250 रुपीज़ में सेल की थी जब मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। ये देखिए ये बड़ा बीड है और ये छोटा बीड है, तो ये साइज चेंज कर देते हैं, टेक्निक एक ही है। इसके अलावा ये न्यूज़पेपर के बैग्स हैं, ये हम अलग अलग 10 तरह की साइज में बनाना सिखाते हैं। देखिए कितना इसका ओपनिंग है, अच्छे से इसकी ओपनिंग है। ये न्यूज़पेपर का ही पेंडल है और ये पूरी माला है जिसमें हमने शादी के कार्ड का उपयोग लिया है। इस तरीके से ज्वेलरीज जो कि ज़्यादा इजीली सेल की जा सकती है, वैसे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी इयररिंग्स हैं जो कि हमने कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना के बनाई हैं और इसका मार्केट प्राइस मैंने रखा था 30 रुपये और बहुत सेल किए हैं ये मैंने, ये वाला आइटम। ये कैलेंडर में से बनाए हुए हैं इयररिंग्स जो कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये मैंने 100 रुपीज़ में सेल किया था। ये पूजा की थाली है, ये पूजा की थाली जो है वो न्यूज़पेपर से बनी हुई है। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे आप अपने वेस्ट को घर में ही रिड्यूस कर सकते हैं, ना केवल रिड्यूस कर सकते हैं बल्कि उससे पैसे भी कमा सकते हैं। यदि आपको जानना है कैसे तो कॉन्टैक्ट कीजिए, यहाँ पे आप कमेंट डालिए यस आई एम इंटरेस्टेड, तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे कि कैसे। ये एक बीन बैग है, पॉलिन बैग है, पॉली बैग,
जो कि बीन बैग की तरह काम करता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर के सूखे कचरे को गीले कचरे के साथ मिक्स नहीं करना है। गीले कचरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यानी कि जिम्मेदारी के साथ तुरंत जानवरों को खिला देना है और उसका दी एंड हो जाएगा। जब गीला कचरा खत्म हो गया तो सूखे कचरे के साथ आप ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है कैसे, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने घर के जो ये ड्रेसेस होते हैं जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं और उन्हें हम सालों से फेंकते नहीं हैं, उन ड्रेसेस को रिन्यू करना भी मैं सिखाती हूँ कि कैसे डिज़ाइनिंग करके आप उन कपड़ों को दोबारा पहन सकते हैं या अपने घर में कुछ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यदि वो आपको सीखना है या करवाना है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स हम लेडीज़ से बनवाते हैं, तो उन लेडीज़ को हेल्प करने के लिए ये प्रोडक्ट तो बनवा लिए, बट इनका हम यूज़ कैसे करते हैं कि आपको चाहिए तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको अपना घर डेकोरेट करवाना है तो हम आपके ही जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उन्हीं चीज़ों को रीडिज़ाइन करके, रीअरेंज करके आपके घर को कम बजट में, बिल्कुल लो कॉस्ट में, बिल्कुल परफेक्ट लाइक अ प्रो, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल आपका घर डिज़ाइन करते हैं। ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वाओ आर्ट्स के तहत। होप आपको पसंद आ रही हैं। आप चाहें तो हमसे सीख सकते हैं और चाहें तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है कि आप अपने घर के कचरे से पैसे कमाएं, उसे सड़क पे ना जाने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी धरती माता के ऊपर बोझ बन रहा है और एक नित नया पहाड़ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि थिंक बिफोर बिन, आप कोई भी कचरा फेंक रहे हैं उससे पहले सोचिए कि क्या हम इसको उपयोग ले सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं कचरे को। आप वो चीज़ें ना खरीदें जिससे ज़्यादा कचरा होता है। प्लास्टिक से थोड़ा अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक को अवॉइड ही कर दीजिए अपनी लाइफ से। उसकी जगह आप ऑप्शंस खुद ढूंढिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी धरती माता को प्यार कीजिए, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सबसे बेस्ट कृति मनुष्य है पृथ्वी के ऊपर, और हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती माता को साफ रखें, स्वच्छ रखें। और मैंने तो आपको एक अच्छा ऑप्शन भी दे दिया है कि आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। होप आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अपनी लाइफ में जो मैंने आज बताया है उसे ज़रूर ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ अकेले का काम नहीं है, हम सभी का काम है कि हम अपनी धरती माता को साफ रखें, स्वच्छ रखें। और बेशक आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो पैसे ज़रूर कमा सकते हैं। यदि मैं समझती हूँ कि किसी के अंदर सेंस है और इतनी इंपॉर्टेंट बात सुनने के बाद यदि वो उसे नेग्लेक्ट करता है तो फिर वो सेंसलेस है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए चैलेंज किया गया है।